वीडियो अपलोड तो वीडियो अपलोड तो हो गई। अरे बेटा ये वीडियो अपलोड जादू दिखाऊं जादू इधर 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 बाहर आ गए ना। हम लोग शेर का शिकार करने के लिए चल निकल पड़ा है ना। बैठ गए ऐसे व्यू देखो और पानी पियो फील लाइक इससे ऐसे चलते हैं देख लो रोड के मतलब रोड क्या बोलेंगे इसको चलने का रास्ता है। वाला देखने सपने को वीडियो अपलोड करने के लिए आप लोगों के लिए ये उधर खड़ा हुआ है। इधर एक मकान दिन तो नहीं पता पर शेर तो घूमता रहता है ओपनली। मैं सोचा मुलाकात कर लेते शेर से है ना कैसा दिखता है आपका शेर है ना। मैं नहीं दिखा सर हम देखना चाहते हैं कैसा दिखता है शेर। यहाँ पे मैक्सिमम लोग आपको देखोगे ना सब फिट मिलेंगे सब बस थोड़ा पेट निकला है। जी गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप सब। मैं बढ़िया से करता हूँ आप बढ़िया खुश होंगे। तो फाइनली करते हैं न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग। मैं भी मामा घर में हूँ दो दिन में तो सुबह से मैंने स्टार्ट तो करा है बट यहाँ पे ना सुबह से बारिश हो रही है बारिश तो बस कल का ब्लॉग भी एडिट नहीं किया रात में सो गया था क्योंकि थकावट हो गई थी। कल तो बहुत ज़्यादा घूम गया था ना मैं उमदी कोट गया फिर उसके सुबह यहाँ आया था इवनिंग टाइम पे आया था तो थक गया था तो इसीलिए अब मैं ब्लॉग एडिट करूँगा ब्लॉग वही एडिट करके उसके बाद फिर आज का देखते हैं क्या क्या होता है बताते हैं आपको जो भी होगा। बारिश नहीं रुक रही तो हम ऐसे घूमने चल रहे हैं और मैंने मेरा ब्लॉग है क्या बोलते हैं मेरे ब्लॉग तो एडिट कर लिया सब कुछ कर लिया अब लाइट भी नहीं है यहाँ पे टाइम पास भी नहीं हो रहा इसीलिए हम जा रहे हैं देवराली। मैं अंकल जी दिख नहीं रहोगे ये अंकल जी हमारे जादू दिखाऊं जादू इधर 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 बाहर आके इधर यहाँ पे आओ ना अनु तुम्हें एनर्जी कहाँ से मिलेगी हाँ इधर इधर एनर्जी कहाँ से मिलेगी बारिश हो रही है धूप थोड़ी आ रही है धूप चाहिए मुझे। ये पागल हो चुकी धूप ना मिलने पागल हो गई चलो चलते हैं। हमारी मामी जी हेलो मामी जी बात करते माई जी से माई जी अभी काम कर रही हैं आके चलो ये देखो इस साइड ये बाखरा का खोर है मेरा हिंदी से पहले मिक्स होता लग गया तो अभी जा रहे हैं हम देवराली ऊपर दिखाते हैं कुछ काम धाम है नहीं घूम रहे हैं अभी तो बारिश हो रही है ना जब ये बारिश सूखने के बाद बादल में ना वो बादल से आ जाते हैं माउंट कैप कहते हैं सबसे जाबियन मस्त मस्त दिखने वाला है बस अभी थोड़ा बारिश वही है थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं हम आ रहे हैं। हेलो हेलो तो भी खतरा आया था कहाँ कटा इतना बड़े जानी हो कि मैं तेड़े जानी हो कता मैं तेड़ा इतना जाम लो जंगल जंगल अरे बोलू ये था बड़े ये था बढ़िया उस तो फोन कोई बचाना पड़ रहा है ऐसे बारिश की वजह से कोई नहीं अभी एक आगे आगे हमारा एलियन चल रही है दूसरा ये क्या है ये छाता लोटस छाता लेके वो अभी दोस्त हम लोग जंगल में वो शिकार करने के लिए निकल चुके हैं हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग ये है ना ये इसका नीचे इधर कालीज बोलता है कालीज और मिर्ग हरिण ये बच्चा लोग करता है ना हम लोग शेर का शिकार करने के लिए चल निकल पड़ा है हम पड़ा है आप लोग इंडिया से अगर देख रहे हो तो ये नेपाल का बहुत ये एडवेंचर जगह है इसमें बहुत जंगली जानवर और कीड़ा मकोड़ा बहुत मिलता है इधर उससे बचना पड़ेगा अभी आसपास कोई गांव नहीं है ना दोस्त लोग बहुत डर लग रहा है ना अभी क्या करेगा लेकिन हमारे पास जादू भी तो है पर नहीं
अब इसकी एनर्जी कम है, धूप नहीं है। क्योंकि धूप नहीं है इसका और इसके वजह से मुर्दा चल रही है। अभी लगता है ये इसको बोरा में डाल के निकल अरे वो बांदर को नेपाली में क्या बोलता है? बंदर। अरे वो तो हिंदी में बोलता है ना? बांदर नहीं, बांदर बांदर वो नेपाली में। अरे बंदर हिंदी में। हिंदी में बंदर। अरे दिखाई देते ना बंदर। इंग्लिश में? इंग्लिश में मंकी। ओ देख ये लड़की है ना, ये तराई से आया है। अभी इसका कल्चर मालूम है या नहीं है? अभी ये एससी दे के बैठा है। मैं पूछे इसका नाम बताओ तुम बस। ये उसके ये हलो। ये हलो। ये हलो। हाँ ये दीदी होते हैं। वो हलो है, ये दीदी है। वैसे बता तो मुझे भी नहीं है, एक को बता हलो, ये नहीं बता कुछ को बोलते हैं। अच्छा उसे बोल। ये क्या काम करता है? चावल कूटना। अरे इन्हें चावल कूटनी हो, खेत खोननी होगी, चावल कूटनी हो। अरे तुम नाम बताओ पहले, इसको क्या बोलते हैं? ये देखो ये है हमारा नेपाल का एजुकेशन। पता तो वैसे मुझे भी नहीं है, पर इसे ना ये कल्चर मालूम नहीं। इसे गोरुला क्यों अंजन? गोरुला हिंदी में क्यों अंजन? अरे गोरुला हिंदी में क्यों? मैं ये ना खेत खनने के लिए यूज करते हैं। इसको बोलता है हलो। इसको भी आलो बोलता है। आलो। इसको जुआ बोलता है। अच्छा जुआ। जो दो गोरु का बीच में है ना। इंडिया में इंडिया में जुआ उसको कहते हैं जो ताश के पत्ते खेलते हैं। वो तो नेपाली में बोलता है, लेकिन इसका नाम ये है कि अच्छा, वो साथ में मिल के चलना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ये दोनों मतलब वो गोरु 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 लगे हुए हिंदी में। गोरु नहीं, ऑक्स ऑक्स ऑक्स। हाँ ऑक्स। हाँ इसमें यो यो ओ सांड बोलता है ना। हाँ सांड सांड इस ये। अरे अभी ये इसको हलो जुआ और इसको बोलता है मुड़ा मुड़ा। जो जो हम पहले इससे काम करेंगे इसके हाँ। बाद ये लगा के अच्छा। जो डल्ला आता है ना वो बड़ा बड़ा उसको फोड़ेंगे हम। अच्छा ये अभी रियल मजा। रियल मजा। बारिश बैठ यहाँ बैठ कर ये व्यू देखते हुए खाने में मजा आता है। बारिश हो रहा है और ये वो जो बादल बोलता है वो पूरा ऐसे ऐसे यहाँ पर यहाँ बैठ गए ऐसे व्यू देखो और पानी पियो। फील लाइक यहाँ बैठो और पानी पियो। फील लाइक हेवन। इस साइड से जा रहा हूँ तो यहाँ पे इस ऐसे चलते हैं, देख लो रोड के मतलब रोड क्या बोलेंगे इसको, चलने का रास्ता ऐसे। ये घर साइड में ऐसे चलते हैं तो देखो आगे जादू चल रही है पीछे अंकल जी। मैं यहाँ पे वो रिचार्ज कार्ड लेकर ले आया था, सोचा मैं मोबाइल डाटा से कर दूँ क्योंकि घर पे तो वाईफाई है पर लाइट थी नहीं तो क्योंकि ना यहाँ पे वाईफाई से तेज वीडियो अपलोड होती है कुछ भी होता है, मोबाइल डाटा इतना चलता नहीं यहाँ पे, नेटवर्क आते नहीं है तो मैंने ट्राई किया नेटवर्क आ नहीं रहे, तो मैं सोच रहा घर पे जाके लाइट नहीं आ रही हो तो मोबाइल डाटा से ट्राई करूँगा क्योंकि डालना तो है कैसे करके करूँगा पर मैं डालूँगा जरूर आज वीडियो। ये देखो रास्ता। तो गाइस ये देखो इधर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है ना तो ते भएर वहाँ हेर्नु पृथ्वी नारायण शाह आउनु भएको छ, उहाँलाई देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो चाहिँ यहाँ अब यस्तो स्ट्रगल भइरह हाम्रो होइन, पानी ज्यादा हो रही है ना इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं वो वीडियो अपलोड करने के लिए आप लोगों के लिए। ये उधर खड़ा हुआ है हजार को लागि यो त्यहाँ उभे हगे त्यही भएर होइन, अब भिडियो हेरेपछि धेरै लाइक गरिदिनु होइन सब्सक्राइब गरिदिनु यसको च्यानल हुन्छ फेरि। हेलो गाइज वेलकम टु मेरो भ्लग। यो चाहिँ मेरो भ्लग व्यक्तिगत होइन, यो चाहिँ हामीले यहाँ यसरी रोटी बनाउँदैछौँ होइन बनाउँदै हुनुहुन्छ, म त बनाउनु मेरो काम छैन नि त केही। सिँढी अघि आँटी भनेछ होइन मैले तर सिँढी हो यहाँ सुतेछ। व्यक्तिगत व्यक्तिगत हजुरको उसमा कपीराइट क्लेम आछ त्यो युट्युबकोमा अपलोड त भयो तर तल कपीराइट क्लेम लेखेछ।
मैले बन्द गर यो दाइ हो मलाई त यस्तरी एक भगान दिन्छु म त मलाई डर लाग्दैन यसँग बुझ्नु भा दाइ हो यो दाइ हो होस् मोबाइल चार्ज भयो नि त्यो पावर ब्याङ्कको भ्याइयो ब्याट्री अनि डाटा पनि भ्याइयो हजुरको तो बारिश तो रुक गई यहाँ पे देख सकते हो आप बारिश रुक गई पर इसने बहुत दिमाग खराब कर दिया लाइट अभी भी नहीं है मैंने कैसे न कैसे करके वीडियो अपलोड तो कर दिया क्योंकि लगा दिया था नेटवर्क नहीं आते यार कई कई जगह यहाँ पे पता नहीं क्या नेटवर्क नहीं आते एक जगह पकड़ लिया वहीं पर हिल नहीं रहा था फिर मेरी सिस्टर ने हेल्प करा वीडियो अपलोड करने के लिए अपलोड तो हो गया तो बस खुशी है इस बात की तो यहाँ पे आ गया था फिर मैं कदान लागो रंगल बस वही है मैं तो सो गया था हाल मैं मेरा आज तो दिमाग खराब हो गया तो फिर इसने कैसे करके वीडियो अपलोड तो कर दी तो वही है आप वीडियो थोड़ी वीडियो वीडियो अपलोड तो वीडियो अपलोड तो हो गई अरे बेटे वीडियो अपलोड तो हो गई इस बात की खुशी है इसीलिए फिर मैं अब अच्छे से स्टार्ट कर पा रहा हूँ बीच में टेंशन भी हो गई थी मुझे कि यार अपलोड कर कैसे करूँगा लाइट अभी भी नहीं है यहाँ पे अच्छा कैसे ना कैसे करके मैंने अपलोड तो कर दी अब देखोगे आप मैं कह रहा था ना बारिश होने के बाद कैसा व्यू आता है यहाँ पे ये चेक करो ये थोड़ा कम है यहाँ थोड़ा सा कम दिख रहा है यहाँ से तो इवनिंग वॉक कर रहे हम ये मान नहीं रही है ये चलने के लिए ये खा खा के मोटी हो चुकी है पर चलने का नाम नहीं ले रही है मौका दी एक बार सही है बहुत से माथा है ना बात करके यहाँ बड़ी बाटो छैन बुआ ने कह दिया मतलब बहाने चाहिए बहाने मैम साहब को अरे खा खा के मतलब नहीं देख कोई नहीं हम चलेंगे कोई नहीं हम तो चलेंगे सो गया था मैं तो मेरे तो ऐसे यहाँ पे नाइट ड्यूटी नेपाल जब से आया नाइट ड्यूटी स्टार्ट हो रखी है अब कल रात को ही नाइट था कल ही डाल देता ना बढ़िया हो जाता आज इतनी दुखी तो नहीं होता मैं चार्ज भी ख़त्म हो चुका है चार्ज भी नहीं है इसमें 11% पता नहीं लाइट कब आएगी तो जो भी है ये देखो जंगल का रास्ता यहाँ पे ना शेर भालू का तो नहीं पता पर शेर तो घूमता रहता है ओपनली मैं सोचा मुलाकात कर लेते शेर से है ना कैसा दिखता है यहाँ का शेर है ना वो सुनने में आया शेर कईयों ने देख लिया यहाँ पे ना मैं सुन जब मैं वहाँ पे आया था सब कहते थे शेर जंगल में ऐसे दिख जाता था नॉर्मल किसी को भी हमें नहीं दिखा हम देखना चाहते हैं कैसा दिखता है शेर हमको नहीं चाहिए नहीं मुझे देखना है मुझे डर लगता पर ये है ना बोलने वाला बंदा उसकी कितनी फटी बस बोल तो देगा जिस दिन दिख गया वो उस दिन मालूम पड़ेगा उस दिन पता चलेगा ना क्या क्या था ये शेर भाई मत दिखियो अगली बार मत दिख जाइयो ये पैंच मैं और भी चीज है जंगल में शेर और भी भूत से पहले मैं डरता था यहाँ पे भूत का बहुत ज्यादा पंगा होता था भूत से मैं डरता ही नहीं यहाँ पे कम से कम पहले रुका हुआ था मैं एक महीने कम से कम लगातार कंटिन्यू रुका हूँ तो आदत बन गई पहले बहुत डरा करता था जंगल रास्ते ऐसे ये जो रास्ता है ना ऐसे रास्ते में चलने में डरता था मैं अब तो कोई डर नहीं अकेला मैं यहाँ से ये जो ऊपर है इसको जो कहते मामा घर है और नीचे बरगहरी यहाँ से अकेला आ सकता हूँ मैं पहले तो इतनी फटती थी मेरी ये ऐसे रास्ते में कि भाई कुछ पूछो मत अलग लेवल तो भाई कार और अंकल जी बताइए बढ़िया मस्त चल रहा है मेरे मौसा जी हैं ठीक है इवनिंग वॉक है इसको इवनिंग वॉक लेकिन हम लोग इधर से चलना चाहिए कहाँ से यहाँ से नहीं नहीं कोई नहीं ऐसे करेंगे उल्टा वहीं से निकल लेंगे कोई हाँ वहीं से चल लेंगे क्या क्या दिक्कत है घर बैठे क्या लाइट है नहीं फोन चला नहीं सकते चार्ज इसमें है
कुछ ही नहीं है, बस जो भी कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं। मैं बता दूं, मेरे मौसा जी है, मैं अंकल अंकल कह रहा हूँ, मतलब इंडिया का अंकल कहते हैं, मतलब यहाँ पे अंकल ही कहते हैं, इंडिया में मौसा जी कहते हैं, मौसा मौसी। नेपाली में बोलो क्या कहते हैं? नेपाली में तो ना, तो नेपाली मैं बता दूं, नेपाली में सानी सनवा वंशन सनवा क्या नहीं पता नहीं है कि मुझे ऐसी बात करते हो, सनवा बोलते हैं। जैसे मैं अंकल बोलता हूँ नॉर्मली, ऐसे अंकल ही बोल देते हैं, तो अंकल बोलता हूँ। मेरी जो मतलब सिस्टर बता रहा हूँ ना, मौसा जी की लड़की है, मैं मौसा जी के पास ही रुका हुआ था मदेश में। बड़े फ्रैंक है, बड़े मस्त अंकल जी। बेटी बड़ा हो गया, हाँ। बाप देखो अभी भी जवान है। ये सही बात है, फुल फिट है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग आपको देखोगे ना, सब फिट मिलेंगे, सब, बस थोड़ा पेट निकला हो। और कोई दिक्कत नहीं, बस पेट थोड़ा सा निकला हो और कुछ नहीं है। उसको कम कर रहा है आगे। नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है अंकल जी, इधर से उधर जाने का है वो रास्ता में। अच्छा, पहले उस आगे से रास्ता बना रखा है, पहले यहाँ से चढ़ के सीधा ये ना, सीधा ऊपर से जाते थे मामा के जाने के लिए। आगे फाइनल लाइन लाइट। तो फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, इस बारिश ने कर दिया, चलो कोई नहीं। तो फाइनली अगर करता हूँ इस ब्लॉग का एंड, अगर आप वीडियो आपने हाथ देख लिया तो प्लीज़ एक लाइक करना, प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल वी यूनिक को, अगर नए हो चैनल पे। वैसे ही डेली ब्लॉग मैं डाल रहा हूँ जब से आया हूँ, नेपाल सीरीज स्टार्ट हो रखी है मेरी। तो बस प्यार बनाए रखो, लव यू ऑल, बाय बाय।